कहने के बावजूद बड़ी मुश्किल से हमें सीएमओ के ऑफिस पर गए, उनसे कहा, वो कह गए हमारे पास फाइल नहीं है, आई नहीं है, बैठ के एसपी कर दो, वो कह गए फाइल हमने पहुंचा दी है। लेकिन फिर दबाव से काम लड़ाई झगड़ा से करने की कोशिश की, जैसे भी उनसे दबाव डाल रखे गया तो तब जाके उनकी फाइल गई 3 बजे के बाद। फिर उनका फोर्ट बैठा है, फोर्ट बैठने के बाद पोस्टमार्टम करते हुए कि उनकी कई देर लगाई है, अब भाई तुम्हारा आदमी अंदर नहीं जाओगा। जैसे तो दबाव डलाया तो हमारा एक आदमी पोस्टमार्टम में अंदर भी गया, लेकिन बाद में हम कहीं गए एम्बुलेंस जाओ, कभी कभी गए कपड़ा जाओ, हम कपड़ा भी ले आए, फिर कहीं गए एम्बुलेंस मंगाओ, लेकिन वहाँ आईसीएम जो था नैन साहब तो वह कह गए एम्बुलेंस का मेरा 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में एम्बुलेंस मंगा दूंगा। हम बार बार तो कह गए एम्बुलेंस मंगा दे, लेकिन नहीं आए। जब वह बाहर लगाए लग रहा है डॉक्टर, तब जाके उसने कहा है कि मैं डेड बॉडी नहीं दे सकता, आप 5 मिनट रखो, 10 मिनट रखो। हमने 5 मिनट का अल्टीमेटम दिया था, अगर 5 मिनट के अंदर एसडीएम साहब अगर हम डेड बॉडी दे हो तो ठीक है, नीचे हम करा दो। तो वह 5 मिनट की बजाय हमने 10 मिनट की दे दी, नहीं आया। रास्ते में फिर हम थे, उस टाइम फिर उसने हमें रोकने की कोशिश की, नोबलिया 2 मिनट रुक जाओ, दोबारा बताऊंगा अपने वापिस आ रहा है, काम बताना है। तो रास्ते में हम 2 मिनट ऐसे ऐसे गाड़ी चलाई तो एक और ये फिर, लेकिन दोबारा मेरा एसडीएम की कॉल आएगी, नोबलिया मैडम ने सरफ मना कर दिया डेड बॉडी देने को, ये बात हुई थी। शर्त लगाओ, शर्त सरकार बातचीत शुरू करो और जाते ही संस्कार करो। समझ गया जाए तो सचिव के नारे में
मास्टर खालू जी मेरे अपने नाकाल मुस्तक साहबी तक उनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं डाल रखे होगी। और मैं तो कोर्ट का मामला फंसेगा जी, मजिस्ट्रेट का फंसेगा, मेरे भाई 302 के अंदर गिरफ्तारी करने के बाद रिमांड वगैरह की प्रक्रिया ले निकलने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता, 302 का पर्चा दर्ज कर रहे हमें बताओ ना। इसलिए सारी बातों पर गौर करने के लिए कमेटी के अलग से मीटिंग की जरूरत है। मेरे भाईचारे दर्जों से प्रार्थना है कि कृपया करके जानवर बताओ और बाकी संगठनों के पिता साहब भी है, चुनुमी साहब है, रविंदर मैन है, इंदर सिंह है, भाई पत्र साहब के सारे शमशेर है, हमारे रविंदर भाई के संतारण भाई है और बहुत से साखर सीनियर सारे भाइयों के अनुभव का फायदा उठाया। मैं सारे भाई मेरी दोस्त को बता रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सारे लोग आते हैं और एक एक खाद बना खाद बना एक एक संगठन बना एक संगठन बना एक, क्योंकि जो आपको मैंने बीजे सड़क जल गई नहीं बतला नहीं पाऊंगी। जुम्मे आम आदमी है, निर्णय प्रक्रिया में थोड़े आदमी अच्छा निर्णय ले आ रहे हैं, चाहे तमिया मान लो या ना मान लो। बाकी मैं गलत बात नहीं माफी चाहूंगा भाई, एक अलग भाई का मैं नाम ले दिया, एक अलग भाई जो कभी मेरा नाम नहीं आया, सारे समाज में है सारे सबकी इज्जत करानी, वो तो चलो सामने बैठा एक अलग भाई का नाम लिया गया, एक अलग का नहीं भी लिया गया, पर जरूर भी हुआ जिसका नाम लिया वो जाना देगा वो भी चाहूंगा। तो